Hello students, good morning. So today we are going to learn a new topic and the topic is geometrical design in cloth. Hello everyone, let's start our next video which is on page number 34 and the topic is geometrical design. Okay, so इस तरह के designs हम basically clothes वगैरह पे ज़्यादा देखते हैं, correct? सो ये ज्योमेट्रिकल डिजाइन किस तरह से आपको प्रिपेयर करनी है वो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी. सो आप उसको केयरफुली देखेंगे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है, इस पूरे स्क्वायर बॉक्स में, ये आप यहाँ देख रहे हो स्टेप 1, 2, 3 and 4 में, आपको यहाँ पे क्लियरली पूरे पिक्चर को जो है वो दिखाया हुआ है. सो स्टेप 1 में आपको क्या करना है, स्क्वायर बॉक्स बनाना है जिसका मेजरमेंट आप 4 साइड्स बिल्कुल इक्वल लेंगे. फॉर एग्जाम्पल 16 सेंटीमीटर आप ले लो. ओके, सो इवन नंबर लोगे तो वो ज्यादा सही रहेगा. सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे ये, मैं जो आपके लिए प्लेन बुक में इस ड्रॉइंग को जो ड्रॉ करने वाली हूँ उसमें मैं ये 16 सेंटीमीटर का लेने वाली हूं. फाइन, सो ये सबसे पहले हम 16 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं. कहीं से भी लाइन टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ये पूरी जो ड्राइंग है हमारी वो अंदर से वो बिगड़ जाएगी. सो बहुत ज्यादा ध्यान से इसमें हमको 16 सेंटीमीटर 4 साइड्स बिल्कुल इक्वल बनाना है. ये ड्राइंग आपको प्लेन बुक में भी बनानी है एंड कलरिंग बुक में भी, जो आपका आर्ट बुक है उसमें भी बनाना है. ओके, सो ये मैंने 0 to 16, फाइन, इतना मेजरमेंट लेके एंड 8 सेंटीमीटर पे चारों साइड्स पे आपको वहां पे एक डॉट कर लेना है. ओके, दिस इज डन. एंड नाउ यहां पे हमें क्या करना है, हम राउंडर को लेके स्केल के वहां पे और 4 सेंटीमीटर का जो है मेजरमेंट ले लेंगे 0 to 4, ताकि हम यहां पे स्क्वायर बॉक्स में 4 सर्कल्स बना सके. सो ये 8 सेंटीमीटर हमने हाफ किया था, नाउ हम 8 का हाफ कर रहे हैं 4 सेंटीमीटर. और ये एक बार मेजर कर लेंगे. यस, तो हम अभी यहां पे 4 सेंटीमीटर, उसके जो हमने 8 सेंटीमीटर का हमने पॉइंट किया था, देन उसके बीच में भी हम उसका और हाफ कर लेंगे, 16 का हाफ 8 एंड 8 का हाफ 4 सेंटीमीटर. वो हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम यहाँ पे जो इजीली, जो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में आप देख रहे हो सर्कल्स बने हैं, वो आसानी से हम यहाँ पर बना सके. सी, हम पॉइंट आउट कर रहे हैं उसका सेंटर जो हम 4 सर्कल्स स्क्वायर बॉक्स के अंदर बना रहे हैं, इस तरह से. और अब उन्हीं पॉइंट्स पे रख के सेंटर में ये हमने एक सर्कल बना लिया है. क्या अनदर इज ऑल्सो डन.
ओके सो नाउ स्टेप टू में आप देख रहे हो यहाँ पर जो ये हमने फोर सर्कल्स बना लिए हैं, अभी वहां पे हमें चारों साइड्स में हाफ सर्कल भी बनाना है, सेमी सर्कल, और सेंटर में एक, दोनों सर्कल्स के बीच में एक सर्कल हमें वहां पे बनाना है. सो वो हम अभी बनाएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हाफ सर्कल जो है वो बना लेते हैं. एनी पॉइंट्स को यूज करके यहां पर हम और दूसरे दूसरे सर्कल्स भी जो है वो क्रिएट कर लेंगे. सिर्फ आपको यहां पर मेजरमेंट का ही ज्यादा वो ध्यान रखना है. मेजरमेंट अगर आपने प्रॉपर किया, दैट मीन्स कि अब कंप्लीट आपकी जो डिजाइन है जो क्लोथ के ऊपर होती है, ज्योमेट्रिकल डिजाइन, वो इजीली आप पूरा बना पाओगे. नाउ ये हमारा सेकेंड स्टेप भी हमने पूरा फिनिश कर लिया है. नाउ थर्ड स्टेप में अभी हमको क्या करना है, सपोज हमने ये सर्कल्स जो है वो कितना लिया था, 8 सेंटीमीटर का लिया था. ओके, हाफ करके 8 किया था एंड देन उसको हमने 4 का कर लिया था, है ना. 4 सेंटीमीटर का हमने सर्कल बनाया था. ओके, सो ये हमने 4 सेंटीमीटर के जो सर्कल्स बनाए थे, नाउ अभी हमको इसको क्या करना है, स्टेप थर्ड में आप देख रहे हो यहाँ पे ये डबल करे हुए हैं. ओके, तो 4 सेंटीमीटर का हाफ कितना हो जाता है, हम यहाँ पे 0.5 का गैप ले लेते हैं, जिसमें हम जो ये आपको गैपिंग दिख रही है डबल जो किया हुआ है सर्कल, उसमें खाली 0.5 का ही है. सो इसका मेजरमेंट हम अभी लेंगे 3.5. ओके, 4 सेंटीमीटर में सिर्फ हम 0.5 जो है वो कम करके इनको हम डबल करते हैं. सो मेजरमेंट बहुत ही ज्यादा सही से लेना है आपको. सो ये 0 to 3.5 एंड जहां जहां पर रख के हमने ये सर्कल्स जो है वो बनाए थे वहीं पर ही रख के और हम इसकी डबलिंग जो है वो कंप्लीट कर देंगे. इस तरह से ये पूरे सर्कल्स को हम डबल बार कर लेते हैं.
ओके ऑलमोस्ट डन। एंड ये लास्ट में जो हाफ सर्कल है उसको भी हम डबल कर लेते हैं। एंड दिस ड्राइंग इज कंप्लीट। सो नाउ आप क्या करेंगे इसमें कलरिंग करेंगे। सो इसमें कलरिंग करने के लिए आपको जो है ये पहले ये आप स्टेप फोर में देख रहे हो, ये यहां पर आपको ये बीच बीच में से जो लाइन से स्टेप थर्ड एंड फोर्थ में डिफरेंस आप देखेंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि कौन सा कहां पे आपको क्या लाइन जो है वो रब करनी है। ओके सो इसमें वही आप लाइंस को रब हम कर रहे हैं, मैं आपको बता देती हूं यहां पे। ओके सो अभी यहाँ पे नेक्स्ट में ये जो सेंटर में सर्कल है वो वाली लाइन जो है वो उसमें से हम रब कर देंगे। सो ये आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है ओके कि कौन कौन से लाइंस को हमें जो है रब करनी है। सो आप भी इसी तरह से स्टेप्स को फॉलो करोगे तो इजी होगा आपके लिए। तो ये देखिए ये फर्स्ट हम यहाँ पे रब कर रहे हैं सेकंड सर्कल में एंड यहाँ पे ये कट किया हुआ है तो ये सेंटर से यहाँ पे हम इसको रब कर देंगे। और ये पूरा रबिंग हो जाने के बाद आप क्या करोगे इसमें कलरिंग मैं आपको बता देती हूँ। कलरिंग करने के लिए आप इसमें बेटे ब्लैक बैकग्राउंड दोगे। ओके ब्लैक बैकग्राउंड पे इन सर्कल्स में आप सपोज इसमें ब्लैक एंड व्हाइट दिया हुआ है ओके सो आपको ब्लैक एंड व्हाइट कलर का यूज नहीं करना है। आप यहाँ पे कलर वाटर कलर या पोस्टर कलर जो भी है आपके पास आप वो यूज करेंगे तो उसमें से आप लाइट पिंक कर सकते हो जो कि ब्लैक के ऊपर बहुत अच्छा दिखता है, या फिर लाइट ग्रीन कर सकते हो या येलो कर सकते हो। ओके सो येलो के साथ आप ब्राउन भी ले सकते हो, बैकग्राउंड में आप जो भी गोल्डन देना चाहो तो वो दे सकते हो। ठीक है तो ये फिर क्या वहां पे जब आप लाइट शेड और डार्क बैकग्राउंड पे करोगे तो फिर ये बहुत ज्यादा खिल के दिखेगा। ओके एंड देन उसके बाद आप इसमें जो आउटलाइंस है वो फिनिश कर दोगे। फाइन सो इस तरह से आपको ये पूरी पिक्चर जो है वो फिनिश करनी है दोनों ड्राइंग बुक्स में, अपनी प्लेन बुक एंड आर्ट बुक दोनों में। सो आई जस्ट होप कि आप सबको बहुत अच्छे से ये ड्राइंग समझ आ गई हो। सिर्फ यहाँ पे मेजरमेंट का ही जो भी है, सो मेजरमेंट अगर आपने प्रॉपरली कर लिया दैट मीन्स कि आपकी पूरी ड्राइंग एक ही बार में कंप्लीट हो जानी है। सो ये हमारा यहाँ पे ड्रॉ कंप्लीट हो गया है। कलरिंग आपको खुद से ही करना है, मैंने आइडिया दे दिया है किस तरह से कलर करना है, कौन से कलर्स का यूज करना है, शेड्स क्या करने हैं। ओके थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो सून। टिल देन कीप ड्रॉइंग and be creative. Thank you.